मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम कल हाफ चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। आई होप आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। आगे हम इसका रिमेनिंग चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, आगे है आपका नोमैडिक लाइफस्टाइल। पहले तो देखिए नोमैड क्या होता है। जो नोमैड होते हैं ऐसे घुमंतु, इसे हिंदी में बोला जाता है घुमंतु। घुमंतु देखो, इसका नाम से ही पता लग रहा है, घुमंतु यानी जो घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसे नोमैडिक पीपल कहा जाता है। तो जो नोमैडिक पीपल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो देखिए, रीजंस आर इन सर्च ऑफ फूड। ऐसे लोग क्या है, एक जगह पर नहीं रहते हैं, ये अपना स्थान बदलते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाना खोजने के लिए। सेकंड है चेंज इन सीजंस। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, ये क्या है, ये भी अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ये क्या है, ठंडे स्थान पे चले जाते हैं। अगर इन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, ठंड ज़्यादा परेशान करती है, तो ये गर्म स्थान पर आ जाते हैं। इस प्रकार से जैसे जहाँ इनका जो वेदर होता है वो अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो अपना स्थान चेंज करके दूसरी जगह पर आ जाते हैं। व्हेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स मूव्ड, इसके अलावा जो इनके पास जो इनके पालतू पशु होते हैं, ग्रास ईटिंग जो घास खाते हैं, जब एक जगह पर घास ख़त्म हो जाती है तो वो अपने पशुओं को घास चराने के लिए स्थान बदल लेते हैं और उनके साथ साथ वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन स्टार्टेड नियर लिविंग नियर रिवर्स। धीरे धीरे जो ह्यूमन से पीपल थे उन्हें पता लग गया कि अगर हम रिवर्स के पास रहेंगे, रिवर के पास वाले एरियाज में रहेंगे, तो हमें वहाँ पर पानी और खाना दोनों हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। तो इस वजह से भी क्या है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ओके, आगे देखो बेटा, डिस्कवरी ऑफ फायर, जो आग थी, आग का आविष्कार इन लोगों ने कैसे किया था। रिमेन्स ऑफ एश एट सम पैलोलिथिक साइट्स लेड टू द कंक्लूजन दैट फायर वाज नोन टू अर्ली मैन। ऐश होता है जो राख होती है, तो जो क्या है, जब वहाँ पे सर्च की गई, खोज की गई, तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो रिमेन्स ऑफ ऐश, जो ये जो जले हुए जो अवशेष होते हैं, उसका जो लास्ट में जो राख बच जाती है, जब वो पैलोलिथिक साइट्स के अंदर मिली, तो इससे पता लगा कि जो अर्ली पीपल थे उन्हें फायर के बारे में पता चल गया था। अब देखो इसका आविष्कार उन्होंने कैसे किया। एक बार ये लोग आपस में बैठे हुए थे, वहाँ आसपास क्या कुछ पत्थर पड़े थे, तो इन्होंने दो तीन पत्थरों को उठाया और उन्होंने आपस में ऐसे ही रगड़ने लग गए। और जब जैसे ही उन्होंने तेज़ी से रगड़ा, तो क्या उसमें से चिंगारी निकली, और वो चिंगारी नीचे सूखी घास पड़ी हुई थी, उस घास के ऊपर वो चिंगारी गिर गई, और घास पे चिंगारी गिरते ही क्या हुआ, वो घास जल गई। तो इस प्रकार से वो एक बार तो वो डॉग एकदम से स्केयर हो गए, एकदम से डर गए कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम आग देखी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके अंदर तपत थी, उसके अंदर जलन थी उस आग के अंदर, वो बहुत गर्मी थी, तो उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, और इस प्रकार से उन्होंने आग का आविष्कार किया, आग को। और फिर अब वो, अब तक तो क्या है, वो मीट को, मांस को कच्चा ही खाते थे, लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ तो उसके बाद वो मीट को, मांस को उसमें पकाकर खाने लगे, तो उन्हें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने लग गया था। तो इस प्रकार से उन्होंने आग का आविष्कार किया था। आगे देखो बेटा, एक्सप्रेशंस ऑफ अर्ली मैन, जो पुराने समय के जो लोग थे, अर्ली मैन थे, अर्ली पीपल थे, उनके एक्सप्रेशंस किस प्रकार के थे। अर्ली ह्यूमंस वर क्रिएटिव, जो पहले के लोग थे बहुत ही क्रिएटिव थे, एंड पेंटेड वॉल्स ऑफ केव्स दे लिव, जो वो जिन गुफाओं के अंदर रहते थे, वो उन गुफाओं की जो दीवारें होती थी उसे वो पेंट करते थे। वो पेंट के लिए कलर, उनके पास कलर नहीं होते थे, आज के टाइम की तरह कलर नहीं होते थे, वो क्या करते थे, हरे रंग के लिए जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती है उसे वो आप तोड़ तोड़ कर पत्थरों पे घिस घिस कर उससे क्या है, वो कलर बनाते थे। इस प्रकार से जो उनकी टहनियाँ होती थी उससे ब्राउन कलर बनाते थे। नेचुरल जो कलर्स होते थे वो अपनी पेंटिंग के अंदर नेचुरल कलर्स को ही यूज़ करते थे, और यही कारण था कि उनकी जो पेंटिंग्स होती थी बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी। तो इसी प्रकार की जो पेंटिंग्स थी उनकी, वो भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसके अंदर इस फेमस, ये बहुत ही प्रसिद्ध है फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग। वहाँ पर उसके अंदर क्या है, भीमबेटका के अंदर बहुत ही सुंदर रॉक पेंटिंग की गई है। ये पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, ये उस समय के लिए, उस समय के जो घुमंतु जो पीपल थे उनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। ओके, आगे देखो, अब ओवर 200 टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन प्री हिस्टोरिक साइट्स। लगभग 200 टूल्स, लगभग 200 से भी ऊपर वेपन्स और टूल्स प्री हिस्टोरिक साइट्स के अंदर मिले हैं, जिसके अंदर कौन कौन से स्थान पर मिले हैं, जो डेक्कन के मेन एरिया से मोरगान,
चिरकी निवासा, इसामपुर, सस्वाद ये और वैलीज, ये सारे डेक्कन के स्थान थे जहाँ पर क्या है उन्हें पुराने समय के टूल्स और वेपन्स जहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिच एग शेल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम पटनी इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की पटनी नामक जो स्थान था वहाँ पर क्या है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है बहुत ही बड़ा होता है, उसकी जो शेल उसका जो ऊपर कवर होता है वो भी वहाँ पर उन्हें प्राप्त हुआ है। एंड द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स लाइक ऑक्स एंड राइनोज इंडिकेट दैट रेनफॉल इन द डेक्कन, और एनिमल्स जैसे ऑक्स और राइनोज का जो रिमेन्स होते हैं उससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर रेनफॉल यानी कि डेक्कन के अंदर बारिश होती थी, वो उसके उनके जो सबूत मिले उससे इस चीज़ के बारे में भी पता चलता है। ओके इज दैट क्लियर। आगे देखो बेटा, आ चेंज इन क्लाइमेट, अब देखो धीरे धीरे करके क्या है क्लाइमेट के अंदर चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ तो कैसे हुआ। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द पीरियड, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक का जो समय था वो पीरियड के नाम से उसे जाना गया। एंड स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर इस समय के अंदर जो पत्थर मिले वो कैसे थे, टिन्नी एंड आर जनरली टिन्नी, और जो छोटे छोटे जो पत्थर मिले थे वो क्या कहलाए उनको माइक्रोलिथ्स के नाम से जाना गया था। एंड द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, और उसके 10,000 साल के बाद का जो समय है उसे नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो ये बेटा आपका चैप्टर था, आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। आज मैं इसकी आपको एक्सरसाइज भेज रही हूँ, आपको ये एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है और लर्न भी करनी है। ओके थैंक यू।